ठीक है, रिएक्शन ब्लॉग भाई जल्द से जल्द आएगा मेरे चैनल पे। वो फो रेस लग जाएगा 250 वर्सेस एनएस 160। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? तो शायद आप लोग ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है भाई खतरनाक होने वाला है। बस तो जल्द से बेस्ट ना करते हुए तो चलो ब्लॉग में गाइस आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं और रिलैक्स। भाई मुझे फ़ोन किया था कि जल्द से जल्द आना है और ये भाई अभी नया नया शायद यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, शायद हो सकता है ऐसा लग रहा देख के। और भाई के पास गोपुर है बट गोपुर का सेटअप नहीं है। चलो भगाते हैं। उनका भाई 250 है तो मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे बट मज़ा आएगा। ठीक है, फॉल्ट आपको पहले ही बोल देता है कि धीमे धीमे, टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई। भी बोल रहा है कि जितना स्पीड भगाना है भगाओ, लेकिन जो टर्निंग होता है भाई वहाँ पे धीमे करो। तो उनका जब बाइक है भाई तो बात तो सुनना पड़ेगा। आज बाइक भाई मिला है, हमको तो लगता है मेरा भाई ड्रीम बाइक है KTM ड्यूक। ठीक है, 250 या फिर 200 मान के चलो, लेकिन हमको लगता है कि भाई NS 160 ही परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इनका जो हैंडलिंग है ना भाई, इससे पहले मैं KTM ड्यूक राइड भी कर चुका हूँ लेकिन उतना मज़ा लग नहीं रहा था। ठीक है, देख लो गाइस किस लिए हम नहीं भगाते उतना तेज गांव में। गांव में तो भाई धीमे धीमे भगाना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि NH जब मिलेगा तो वो अलग बात है। क्या हुआ? मतलब अकेले राइड जब करते हैं तो अजीब सा फील होता है, पीछे कोई बैठा रहता है उनके साथ थोड़ा बातचीत करते हैं तो उनका भाई मज़ा ही कुछ अलग होता है। चलो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई NH में। और NH में तो आप लोग बोलते ही हैं कि भाई भगाने का जो मज़ा है ना भाई, ओ अरे डुग ड्यूक वाले तो मेरे बहुत आगे निकल गया 100। मतलब जब NH में आते हैं ना भाई 160 भी मन नहीं भरता है। ओ भाई साहब ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई जी धक 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 कर रहा है, रेस लग जाएगा 250 वर्सेस NS 160। आ जाओ आ जाओ। चुप रहना मेरे भाई, तुम शांत रहो। रवि बोल रहा हमको यहाँ पे खड़ा कर दो भाई। ठीक है, हम चले जा रहे हैं दूसरी जगह पे, आप यहाँ पे खड़ा हो, तुम लोग राइड करके आओ। इधर दाब रहा है, मेरा गलत साइड आ गया क्या भाई? और आगे यहाँ पे भाई रुकना है क्योंकि भाई नाजिब माए शायद आ जाएगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे रुकते हैं। तो गाइस अभी जिसके लिए वेट कर रहे थे भाई, नाजिम भाई के लिए वेट कर रहे थे, वो अभी तो भाई अभी आ चुका है। ठीक है, और अभी आगे जाएंगे क्योंकि जय का नाम है दौलकोलाना। किस टाइप का नाम बता रहा है पता नहीं भाई, फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं। और हम लोग के बीच में थोड़ा रेस लगाएंगे कौन मुकाबला जीत पाता है। अरे भाई साहब, अरे RPM चला जा रहा है। कहाँ पे रुकेगा पता नहीं, तो आगे चला गया। मैचिंग करके लिया है क्या? मैचिंग करके ये देखो भाई अभी ले लिया है बनी। ठीक है, रिएक्शन बोला भाई जल्द से जल्द आएगा मेरे चैनल पे। कुंड राइड कर भी देखो नी अगले। हाँ हाँ का नाम में जाए जा आलो तुरंत राइट बुराई है बहुत ज़्यादा गजब बेइज्जती है। और अरे फिर से दोबारा शुरू हो गया है, हो जाएगा मुकाबला। अरे राइडर लोगों के बीच राइडर नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? वो लोग मतलब लॉन्ग राइड करता है। ठीक है, हम लोग तो भाई शॉर्ट राइड करते हैं भाई, ये सब लोग राइड करता है भाई, लॉन्ग राइड पे चलता है, हिमालय है ये लोग भाई, पूरा अपना सेटअप लेके निकलता है, जैकेट वगैरह लेके निकलता है। उन लोगों को गुस्सा दिलाना है क्या? इतना गुस्सा दिलाने के बावजूद भी लोग कोई रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन देखो भाई, नहीं
अभी हुईली मार रहा है। ओ भाई साहब, ओ ओ 112-13-14 ही जा पा रहा है। इसके बावजूद भी एन एच में कितना लॉन्ग टाइम तक सड़क मिलेगा? अच्छा, इससे अच्छा सड़क चाहिए तो और इससे ज़्यादा नहीं ले जा पाएंगे। अबे लोग रेस नहीं खेलेगा भाई। ए देखो भाई, आयरन ब्रिज का नज़ारा, और आयरन ब्रिज के ऊपर ही भाई साहब खड़ा हो रहा है। हमको तो भाई कैप्चर करना ही पड़ेगा, उससे पहले ही वो उतर गया। चलो कोई बात नहीं, साथ में है तो कभी भी बोल सकते हैं या फिर बोल के ले भी सकते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? ओ भैया, मतलब कि अपेल भाई जो कहाँ कहाँ ले जाते हैं पता नहीं। चलो तुम जिस साइड बोलेगा उस साइड ही हम लोग चल जाएंगे। डस्ट देखो भाई, देखने में तो भाई एकदम खतरनाक लग रहा ना, है ना बंडो? हाँ, ये कौन सा ब्रिज है में? तो चलो भाई यहाँ पे रुकते हैं। और अभी देखो बनी लेने का मतलब यही है भाई कि वो टकला हो गया है। ठीक है, देखो सर कितने जगह कटा था, 3 जगह पे चोट लगा था। तो गाइस अभी यहाँ पे रुके थे रील वीडियो बनाने के लिए। और क्या हुआ रे भाई? ओ देखो भाई, दूर से सब कोई देख रहा था। रिएक्शन देखो भाई, रिएक्शन देखो। रेड टी शर्ट है, देख रहे हो भाई, हाइपर राइड है जैसे राइड कर रहा। भाई साहब अब तो भाई जब खड़ा हो गया, इतना पब्लिक प्लेस में मत खड़ा हो मेरा भाई, उनको जाके ठाम ठोक देंगे बाद में। उनको कोई भी डर नहीं है कोई भी चीज़ से, मतलब कब क्या हो वो चीज़ को भूल जाते हैं कि 2-4 दिन उसने एक्सीडेंट हो गया था, सर वगैरह बहुत ज़्यादा चोट लगा था। उसके बावजूद भी शाम के टाइम हुआ था, रात को 8-10 बजे, मतलब 8-10 बजे के बीच वो गोली मार रहा था, तो सोचो भाई। चलो अभी तो आ चुके हैं जंगेपुर ब्रिज के ऊपर, कट मारने के लिए बोल रहा पलटी को। अरे ओहो क्या नजारा है भाई साहब इस जंगीपुर ब्रिज का, जो भी है भाई देखने लायक है। ओहो इतना रिस्क मत लो भाई, बार बार लोगों का रिएक्शन देखो भाई, ताली बजा रहा ऊपर से, बट जो भी है भाई तो हार नहीं मानने वाला। अरे वो जल्द निकालो भाई, आगे निकल गया वो। ओ देखो जब उसे बोल देता है ना भाई, फायर हो जाता है बंदा। मतलब कि वो एक सर भी एक साइड चल रहा था, हम जब अंदर घुसाने के लिए सोचे तो अचानक उस साइड घुस गया वो। तो आप पहुंच गए हैं, तो आगे चला गया भाई। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं, एंड आई होप केवल आप लोग आपको देखने में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और तब तक के लिए आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस। टेक केयर, बाय।